नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सीजी प्राइड में आप सबका स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ की प्राइड सीजी प्राइड आपका अपना लोकल पोर्टल है। छत्तीसगढ़ की 18वीं सालगिरह पे क्या आप वोट देने के लिए तैयार हैं? तो क्लिक कीजिए ऑन www.cgpride.com पे और अपने वोट करने से पहले अपने लीडर्स के बारे में अच्छे से जानिए और एक अच्छी सरकार चुनकर छत्तीसगढ़ का विकास का हिस्सा बनिए। cgpride.com मेकिंग इट ईजी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम जायसवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, साथ ही रायपुर पश्चिम से प्रत्याशी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी प्राइड में। जी धन्यवाद। सर, आपकी कोई बड़ी उपलब्धियां जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम, हम शराब आंदोलन किए हैं और चीट फंड कंपनियों का जो घोटाला है यहाँ पे, चीट फंड कंपनियों के घोटाले के खिलाफ में हम लोगों ने आंदोलन किया है। वो बहुत बड़ा आंदोलन है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ में, अभिकर्ताओं साथियों के साथ में हम लोगों ने किया था। वो एक बड़ा आंदोलन था। किसानों के लिए हम लोगों ने बोनस की जो मांग है उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसको लेकर मुझे घर में ही नज़र बंद कर दिया गया था। ऐसे कई आंदोलन थे जिसमें मैं सक्रिय रूप से भाग लिया था और आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। सर, आने वाले चुनाव में आप लोगों के पास कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं वोट के अपील के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये हमारे मूलभूत सुविधाएं अभी तक पहुंची नहीं है पश्चिम विधानसभाओं में। ये केवल पश्चिम विधानसभाओं में दिखावटी विकास हुआ है। आप जहां पर विकास हुआ है उससे 2 मीटर नीचे या 3 मीटर नीचे ही जाएंगे, जहां सड़कें बनी हुई है, जो जिस विकास का नाम भाजपा ले रही है, वहाँ पर आप नीचे चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अंबार लगा हुआ है, लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं है, टैंकरों से पानी भरते हैं वो लोग। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पश्चिम विधानसभा की। सर, आपको क्या लगता है विकास पेपर पे और ग्राउंड लेवल पे कैसा है? विकास केवल पेपर पे हुआ है, ये मैं कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कहूँगा, दिखावटी विकास हुआ है और ग्राउंड पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। सर, जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि आपका मतलब भाजपा का कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो, तो आप वैसा कौन सा काम है जो आप बताना चाहेंगे जो अच्छा लगा हो आपको अभी तक? मुझे अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक अच्छे काम की बात है, मैं पिछले 3 महीने से जनता के द्वार में घूम रहा हूँ, घर घर पे जाके दस्तक दे रहा हूँ। जनता का भाजपा के प्रति बहुत आक्रोश है। लोगों के बीच में वो अपनी जो पैठ बनानी चाहिए वैसी कोई पैठ वो बना नहीं पाई है। बहुत गुस्से से लोग हमको चिल्लाने लग जाते हैं कि हम ही लोग वो भाजपा वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं। नगर निगम की समस्या हो, चाहे विधायक निधि द्वारा जो खर्च होता है उसकी जो समस्याएं हैं, मतलब लोग हम पर बोलने लग जाते हैं कि किस तरीके का काम आप लोग किए हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी उपलब्धि यहाँ पर दिखती नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए भाजपा की। सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बारे में पता है, लोग आम आदमी पार्टी नहीं जानते, बहुत सारे लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इस बार मैं आपको बता दूं, हम पिछले 3 महीने से घूम रहे हैं लोगों के घरों में और अभी से 25 से 30 हज़ार घरों में दस्तक दे चुके हैं अभी तक। और आपको बता दूं कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। पहले जिस तरीके से परंपरागत तरीके से कांग्रेस और भाजपा वोट कर लेते थे, ये वाला चुनाव ऐसा चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव बहुत ही अलग तरीके का चुनाव होगा और चौंकाने वाले रिजल्ट आने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, इस बार भाजपा जिस तरीके से लोगों के बीच में चीज़ें बंटवा रही है, जैसा कि टिफ़िन बाँट रही है, साड़ी बाँट रही है, बिछिया बाँट रही है, पर्स बाँट रही है, ये सारे चीज़ बाँटने के बाद पब्लिक कहती है, भैया हम ये सारी चीज़ों को जानते हैं, ये लोग हमारा भला नहीं करने वाले, हम आप ही लोगों को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। सर, आपके पास अपने क्षेत्र के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजना है? जी, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने पहले प्रमुख रूप से हमने अपने उसमें शपथ पत्र में ये लिखा है कि हम सबसे पहले, जिससे महिला बहुत ज़्यादा परेशान है,
शराब शराब को पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाएगी और कौशल विकास के लिए जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के बीच में कोई काम होता नहीं है उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि उनको विशेषज्ञों से ट्रेनिंग देकर जो वाकई में कौशल विकास किया जाता है तो एक वास्तविक ट्रेनिंग ग्राउंड लेवल पर देकर उनको कुटीर उद्योग लगाकर और 2 लाख रुपए की योजना है 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे महिलाओं में खुद आर्थिक क्या कहते हैं क्षमता बढ़ेगी उनके अंदर और वो सशक्त रूप से मजबूत होंगे आर्थिक रूप से किसी के ऊपर मजबूर नहीं रहेंगे किसी के ऊपर उनकी निर्भरता नहीं रहेगी। सर भाजपा ने भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट योजनाएं बहुत सारी निकाली है बट उससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप ऐसा कौन सा स्किल डेवलपमेंट निकालेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्किल डेवलपमेंट भाजपा का जो है वो केवल दिखावटी है वो केवल कागजों में है एक व्यक्ति का स्किल डेवलपमेंट करके वो लाखों लोगों को लाखों लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर दिया ऐसा वो प्रोजेक्ट करती है मीडिया के माध्यम से केवल ये दिखावटी डेवलपमेंट है। हम लोग वास्तव में जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करना है उस काम को अंजाम देंगे इस पर हमने पूरी तैयारी कर रखी है हम इसको कैसा अंजाम देंगे उसके लिए हम दिखावटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे। सर लेकिन लोगों को भरोसा कैसे होगा कि आप जो काम करने वाले हैं वो सही होगा जो वो किए वो मतलब वो उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया था कि ऐसा होगा तो इस एक तरीके से इंसान का भरोसा टूट रहा है तो भरोसा के लिए आप क्या करेंगे? हाँ आपका बात सही है लोगों ने कई बार वोट किए हैं और कई बार वो धोखा खाए हैं लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है और यह पार्टी आम लोगों की पार्टी है और पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है पैसा नहीं है हमारा राजनीति में आकर यहाँ से पैसा ऐंठना हम लोग पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं आप ही की तरह लोग हैं और इस बार बदलाव करने के लिए निकले हैं आपके अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा हमारे अंदर भी है इस तरीके की बात जब हम उनको कहते हैं तो वो हमारी बातों पर भरोसा करते हैं। और आपको बता दूं हमने शपथ पत्र दिया है 11 बिंदुओं का शपथ पत्र प्रदेश का है और 10 बिंदुओं का शपथ पत्र विधानसभा का है जो हम बाकायदा नोटरी करवा के 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में दे रहे हैं जिसको लोग काफ़ी गंभीरता से पढ़ते भी हैं और उसकी सराहना करते हैं और उसको लोगों से पूछते भी हैं कि यही पार्टी है जो शपथ पत्र दे रही है कोई दूसरी पार्टी ने आज तक शपथ पत्र नहीं दिया। सर यहाँ छत्तीसगढ़ में एक मेन प्रॉब्लम है बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉलेज में पढ़ लिए लिख लिए लेकिन वो रोज़गार के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको उतनी सैलरी उतना पैसा नहीं मिलता है तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए हमारा नारा ही है 2600 माँ धान लेबो और हर लड़का ला काम देबो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है लेकिन मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। मैं आपको एक चौंकाने वाली जानकारी देना चाहता हूं रोज़गार के लिए ये लोगों ने क्या कहते हैं रोज़गार मेला लगाया था जिसमें रोज़गार मेला लगाने में इनके लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्च हो गए लेकिन उसमें तीन व्यक्तियों को रोज़गार मिला तो ऐसा दिखावटी ये लोग भाजपा वाले वो रोज़गार का मेला लगाते हैं। हम लोग आपको बता दें कृषि आधारित जो उद्योग है उसको हम डेवलप करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जैसा मैंने पहले कहा था कि जो उत्पादन करने की जो फार्मूला है उत्पादन किस तरीके से किया जाता है वस्तुओं के उत्पादन हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र के लोकल उत्पादन को लेकर उसके मतलब उस चीज़ों से कुछ प्रोडक्शन करना हो उस क्षेत्र के कुछ उपलब्धि रहती है ना जैसे बस्तर में जाएंगे तो वहाँ की जो वहाँ साल बीज और वहाँ के जो क्या कहने हैं प्रोडक्ट हैं उससे और कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है ऐसे सारी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से वो लोगों को डेवलप करना सिखाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम उनका आर्थिक समृद्ध करेंगे उनको ये सारी हमने योजना बना रखी है।
सर आने वाले चुनाव में आप जीतते हैं तो आपका सबसे पहला काम कौन सा है जिसको आप प्राथमिकता देना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? जी, मैं जैसे ही आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पूर्ण शराबबंदी होगी और उसके बाद ये सारे काम होंगे जो हमने शपथ पत्र में दिए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं था, हमारे पूर्वजों ने ऐसे छत्तीसगढ़ की मांग नहीं की थी। आज 10-10, 12-12 साल के लड़के नशे कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल के लड़के सुलोसन सूंघ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो उनके बस्ते में दारू मिल रही है। तो ये इस तरह के का छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, इसे हम रोकेंगे। सर, आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बड़ा नहीं, आपको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे कैंडिडेट बहुत पहले डिक्लेयर हो गए हैं और पूरे प्रदेश में हमारे कैंडिडेट हर किसी घरों घर घर में जाकर दस्तक दे रहे हैं। हमने दीमक की तरह इनको चर दिया है, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना दीमक चर दी, सही से कहते हाँ, इस बार दीमक की तरह हमने इसको चर दिया है। पहले क्या होता था, कांग्रेस भाजपा के लोग बस्ती के किसी एक लोग को पकड़ लेते थे और उनको वोट करवाते थे, भैया आपको पैसा दे दिया है और आप इस बार इसमें वोट करवा दीजिएगा। लेकिन इस तरीके का वोटिंग नहीं होने वाला है इस चुनाव में। अब इस चुनाव में हर जनता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक से वोट करने के लिए जा रहा है और एक बदलाव के साथ वोट करने के लिए जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हमारी पहुंच मीडिया में नहीं है, हम जानबूझकर कुछ चीज़ों को लेकर हम मीडिया के पास में नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मीडिया हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन अब देखिए रिज़ल्ट आपकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँची हैं, मुझे बहुत खुशी है आपको यहाँ आने के लिए, जिसके लिए आपकी पूरी टीम और आपके न्यूज़ पोर्टल को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत चौंकाने वाले रिज़ल्ट आने वाले हैं इस चुनाव में। चलिए सर, आने वाले चुनाव के लिए आपको भी सीजी प्राइड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना कीमती समय हमें दिया आपने। थैंक यू सो मच। आपको भी मैम, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। और भी ऐसे वीडियोस के लिए, अपने लीडर्स के बारे में जानने के लिए आप सीजी प्राइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू।